वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र को लेकर हुई जनसुनवाई, प्लांट के समर्थन में कोई नहीं, भारी पुलिस बल की उपस्थिति में प्रशासन ने की जनसुनवाई। पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में आए पहाड़िया गांव में प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती करके जनसुनवाई की। रीवा दर्शन ने ऐसी पहली जनसुनवाई देखी जिसमें पुलिस की इतनी उपस्थिति नजर आई। जनसुनवाई का मतलब होता है इस काम में जनता का क्या सोचना है, इसमें पुलिस की भूमिका, भारी पुलिस बल की तैनाती का औचित्य समझ से परे की बात थी। इसकी बात फिर कभी। हम आपको बता दें, पहाड़िया में वेस्ट एनर्जी संयंत्र की स्थापना होनी है। शासन प्रशासन ने अपनी मंशा पहले ही जारी कर यह बता दिया है कि प्लांट यही लगेगा, फिर इस जनसुनवाई का क्या औचित्य है। टीकर निवासी कपिदर सिंह का एक सवाल ही जनसुनवाई के तमाम सवालों पर भारी पड़ता है, जिसे जनता ने हाथ उठाकर बता दिया। सहमत नहीं है भाई, असहमत है। रिकॉर्डिंग करा। अब इसमें आपसे सिर्फ हम ये नहीं चाहेंगे कि हम अपनी बात रखें और आप चुपचाप सुने, क्योंकि हम ये भी चाहेंगे कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसके उत्तर आप इसी मंच से जनता को, हमको यहीं पर देके जाएं। सर्वप्रथम तो हमारा ये आक्षेप है आपके ऊपर, ये जो आपने लोक सुनवाई का कार्यक्रम के आयोजन किया है, ये सिर्फ ढकोसला है और ये सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकना है, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा गूढ़ विषय है जिसके बारे में संभवतः आपको भी ज्ञान पूरा नहीं होगा, हम लोगों से तो ज्यादा होगा, परंतु आपका ज्ञान भी अधूरा होगा। जब ये जन सुनवाई करनी चाहिए थी, जब जनता से एनओसी लेनी चाहिए थी, जब आपको स्थल का चयन करना था, तब आपको ग्राम सभा के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता जनार्दन से एनओसी प्राप्त करने के बाद ही पहला कदम उठाना चाहिए था, परंतु आप लोगों ने वो सारे काम, सरकार ने और रैम की कंपनी ने वो सारे काम चुपचाप बंद कमरों में तय कर लिए। और ये जो एक कठिन विषय है पर्यावरण, जिसके बारे में हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, तो वो आप जनता के सामने लेके आ गए कि जनता इस विषय में बोलेगी तो बोलेगी क्या। मेरा बहरा जी से एक प्रश्न है कि क्या आप ये लिखित आश्वासन दे सकते हैं कि इस क्षेत्र में, यहाँ पर बैठकर आप देख सकते हैं कि अगल बगल 300 घरों की बस्ती है, क्या आप मंच से इस बात की सहमति दे सकते हैं या लिखित दे सकते हैं कि पर्यावरण इस चीज की अनुमति देता है कि इस स्तर का जो संयंत्र यहाँ लगने वाला है वो कानूनन और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है। क्या 1 किलोमीटर की आबादी में जो जनसंख्या है उसके बीच में इस तरह का प्लांट स्थापित करना पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है? क्या वो जनता जनार्दन के लिए सुरक्षित है? इस बात की क्या आप लिखित सहमति या लिखित आश्वासन दे सकते हैं महाराज जी? आपसे मेरा प्रश्न है महाराज जी। ये हम लोग केवल साक्षी हैं, यहाँ के जनता जनप्रतिनिधि जो लोग बोलेंगे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको लिखित सीडी में हम लोग भेजेंगे। हम यहाँ उत्तर प्रत्युत्तर देने के लिए नहीं आए हैं, केवल हम एक साक्षी हैं और अपर जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से हम यहाँ बैठे हैं कि पर्यावरण वाले कोई आपकी बात छोड़ न दें। हम पूरी बात आपकी भोपाल दिल्ली तक भेजेंगे, हम कोई यहाँ उत्तर और प्रत्युत्तर आपसे करने के लिए नहीं। आप बिल्कुल संबंधित है और इस विषय के विशेषज्ञ के सामने विराजमान है, तो क्या उनसे हम लोग प्रश्न का उत्तर नहीं चाह सकते हैं या पा नहीं सकते हैं? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं पा सकते, लेकिन अभी तक कि आप लोग सब कुछ जानते हैं और कहीं हमसे ज़्यादा भी जानते हैं। ये जब सही है कि हम लोग 10-5 जन सुनवाई 10-20 कर चुके हैं विभिन्न जिलों में, विभिन्न स्थानों पे, लेकिन आग्रह यही है कि हम लोग साथी हैं, विशेषकर मैं, और ये चाहता हूँ कि आप बोलें और आपकी पूरी बात हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक पहुँचाएँ। उत्तर मिलना कठिन है, लेकिन अपना परिचय का हम बताए दे चाहे थे कि विश्व के कोनो परियोजना होए, ठोस अपशिष्ट के व्यवस्था करने वाली ओखर मूल सिद्धांत है कि वह आबादी से दूर होए, और यह ठीक वह सिद्धांत के विपरीत आबादी के बीचों बीच यह एक कचरा संयंत्र यहाँ स्थापित किया जा रहा है। ऐसे हमारे अपना के सबके जीवन में जो दूरगामी परिणाम हुए ही हो तो दूर के बात ही,
विभिन्न बीमारी है जैसे हम अपना ग्रसित हो, लेकिन हमारा अपना के सामान्य दिनचर्या ऐसे प्रभावित हुई ना, सांस ले में कठिनाई हुई, जो जल स्तर है वह प्रदूषित हुई, और हम लोग शायद हमारी बात से जनता सहमत हुई। अगर अपना पंचे या कचरा संयंत्र प्लांट यहाँ लगाए में सहमत है तो हाथ उठाई, हम असहमत हैं हम हाथ उठाई थे, अगर अपना सब असहमत है तो हमारे साथ हाथ उठाई, अगर अपना सब असहमत है तो हमारे साथ हाथ को हाथ न उठाव, सहमत नहीं है भाई, असहमत है। करके कई लाभ बताए, लेकिन अपना के बताए लाभों से हम लोग कोई भी सहमत नहीं है, इसलिए कि आपके बताए लाभ तब सही हो सकते हैं जब ये कचरा संयंत्र प्लांट आबादी से दूर लगे। विकास की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा प्लांट तभी उपयुक्त है जब जनता से दूर, बसाहट से दूर लगे। और ये भी यहाँ का स्थापित तथ्य है कि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ 1 किलोमीटर की परिधि में लगभग 6-7 पंचायत है और किसी पंचायत की मतदाता संख्या 1500-2000 से कम नहीं है। दूसरा विषय यह है कि इसमें एक बंद कमरे में सहमति अनापत्ति का खेल हुआ, जब सब कुछ तय हो गया तब यहाँ पे भूमि पूजन का आयोजन किया गया। दुर्भाग्य से तब जनता को यह मालूम चला कि उनके बीच में ये संयंत्र यहां स्थापित होने जा रहा है, और जब से जनता को यह मालूम चला तब से जनता ने विरोध करना शुरू किया। जनता ने एक आम सभा के आयोजन का निवेदन किया जो माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ अभी भी लंबित है। हमारा ये आग्रह है आपसे कि अगर आप वास्तव में जनता की सुनवाई चाहते हैं और वास्तव में ईमानदारी से सुनवाई करवाना चाहते हैं तो जनता का जो आवेदन माननीय कमिश्नर साहब के पास लंबित है आम सभा के आयोजन के निवेदन बाबत, उसको आप स्वीकृति प्रदान करवा दें और इसी स्थान पर एक आम सभा का आयोजन करवा दें और जनता की सहमति या आपत्ति आप स्वयं यहाँ पर आकर प्राप्त करें। कि छल कपट का खेल नहीं होना चाहिए, बंद कमरे में कुछ भी लिखा पड़ी हो जाए, एक ऐसा गुड़ हम विषय हम लोगों के सामने रख दिया जाए जिसमें कोई बोलने में सक्षम ना हो, और इसी आधार पर आप लोग जो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह है इनको आगे करके एनओसी प्राप्त करने का औपचारिकता पूरी करें। मेहरा जी ने एक बात और कही, ये आयोजन इसलिए किया गया है कि जब प्लांट स्थापित होता है तो इसका विरोध होता है। माननीय महाराज जी, क्षेत्र की जनता इतनी अनजान नहीं है, कम से कम इस क्षेत्र की जनता, जो अपना हित और अनहित न समझे। आप हित की बात करेंगे तो आपको पूरा समर्थन मिलेगा, आप अनहित की बात करेंगे तो जनता समझती है, जनता विरोध करेगी। आप जनता की समस्याओं का निराकरण करिए, ईमानदारी से करिए, और जनता को अगर लगेगा कि इसमें वास्तव में उनका हित है तो हमें नहीं लगता आपको कोई विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप छल कपट करके जनता के अनहित की चीज यहाँ पे स्थापित करेंगे तो ये विरोध तो होगा, आगे भी होगा, कितना होगा ये समय तय करेगा। हम तो हमारी जितनी समझ है हमें ये पूरा आभास है कि ये पर्यावरण के लिए और यहाँ पर जनमानस के लिए किसी के भी हित में नहीं है। ऐसे प्लांट को जनता से आबादी से दूर स्थापित होना चाहिए, इसके बाद भी जनता के विरोध, जनता की आपत्ति के बाद भी अगर आप लोग निर्णय लेते हैं कि यहीं पर स्थापित होगा तो फिर आपका विरोध होगा, किस तरह तक होगा, किस हद तक होगा ये समय बताएगा। जनता इसके लिए तैयार है क्योंकि आप आंख बंद कर लेंगे उससे सच्चाई नहीं छुपेगी। आप चाहते हैं समय दीजिए, जनता को बुलाइए, आम सभा बुलाइए, तो आपको मालूम होगा कि पटना, पहाड़िया, बक्सेरा, रौरा इन पंचायतों में इस कचरा प्लांट को लेकर कितनी बेचैनी है, कितनी आपत्ति है। इन सब के बाद भी अगर आप स्थापित करना चाहेंगे तो विरोध तो आपका होगा और जितना बस चलेगा हम लोगों का कचरा प्लांट यहाँ स्थापित नहीं होने देंगे। सरकार है आपकी, हो सकता है आप भारी पड़े, लेकिन लड़ाई आपकी भी कठिन होगी, इतनी आसान लड़ाई नहीं होगी। इसलिए जनता का जो अधिकार है
जनता से बिना पूछे, जनता की बिना राय लिए, औपचारिकता या ढोंग करे बिना ईमानदारी से जनता की राय लीजिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाइएगा। वरना विरोध के लिए, संघर्ष के लिए तो हम लोग हैं ही, जनता भी तैयार है, आप आइए, संघर्ष होगा यहीं पर। वहीं समाज सेविका कविता पांडे कुमार सिंह का भी अंदाज कम निराला नहीं था। रीवा नगर निगम के पार्षद विनोद शर्मा ने भी अपनी बात मजबूती से रखी। आदमी बनना पड़ेगा, जब आप रिटायर होंगे तो आप इस पाप के सहभागी बनने का कष्ट न करें। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे भाइयों, मैं सदा आपके साथ की कल की आज की और परसों भी रहूंगी, आपकी लड़ाई की अगुवाई करूंगी, नेतृत्व करूंगी। इन लोगों को तो इसको स्वीकृति देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, पर जनता को आपत्ति है, हम लोगों को आपत्ति है, जो इस क्षेत्र के लोग हैं उसको आपत्ति है। एक उधर आप हवा इतनी गंदी कर दो कि शहर में रहने वाला प्राणी अच्छे से रह न पाए। सोचा होगा लोगों ने कि पश्चिम से हवा अच्छी आ रही, उत्तर और पश्चिम से, तो मंत्री जी का दिमाग चला कि इधर कचरे का डंप करवा दो, इधर संयंत्र लगवा दो, तो इधर के लोग खेती न करें, ये लोग भीख मांगते हुए जिले से बाहर चले जाए, ये लोग खेती। तो बात केवल इतनी है कि यह प्लांट जहां राजेंद्र शुक्ला चाहे वहां लगेगा, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो वो चाहते हैं वही हो रहा 15 साल से। और उनको जाके बता देना कि यहाँ पे पहाड़िया पे नहीं लग पाएगा, क्योंकि पहाड़िया के लोग जागरूक। निश्चित तौर पे जन जमीन जंगल की बात करते हैं और यहीं पे वो साजिश करते हैं। पर्यावरण की बात करते हुए वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र के बारे में भूपेंद्र सिंह ने एक ऐसी बात कही जिसे मान लिया जाए तो कोई भी सुनवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस्ती के बीच में बन रहे संयंत्र को कचरा घर बनाने के पूर्व सुनवाई कर रहे अधिकारियों के घर के बाहर एक एक ट्रॉली कचरा रखवा दिया जाए, दूसरे दिन वह अधिकारी स्वयं ही तय कर ले एक ट्रॉली कचरे से सुगंध आ रही है या दुर्गंध। कल्पना करिए 28 नगरीय निकायों के कचरे के ढेर का आलम क्या होगा।